अंदाजा हो गया तुम्हें कि तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपनी सगी औलाद को भी खो दिया है। देखो समरा, देखने दिखाने का वक्त गया राही, तुमने जो किया है अब भुगतो उसे। अगर अपने बेटे का नहीं तो कम से कम उस लड़की के बारे में सोच लेते जो तुम्हारी बेटियों की उम्र के जिससे तुमने शादी कर ली है। शर्म करो, ये किस तरह की घटिया बातें कर रही हो तुम? मुझे शर्म आनी चाहिए? वाह, वेरी नाइस, शादी करके तुम आ रहे हो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से हनीमून पे ले गए उसे और कहते मुझे शर्म आनी चाहिए? मैंने जरा सी हकीकत बोल दी और उस पे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मेरे सबर का इम्तिहान मत लो राही, वरना तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ मैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, अभी के अभी उस लड़की को तलाक दो। वरना क्या? वरना क्या कर लोगी तुम? अरे सारी जिंदगी मेरी अजाब बना के रखी थी, इससे ज्यादा और क्या बनाओगी? अरे मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन साजिशों से, इन रवैयों से। क्या कहा तुमने? मैं साजिशी हूँ? मैंने अजाब की तुम्हारी जिंदगी? और किसने की? ओह गॉड, क्या समरा बीबी, क्या मैंने सही किया या गलत किया ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे इस रास्ते पर भेजने वाला कोई और नहीं, तुम हो। तुम जिसे मैं बहुत मोहब्बत और चाह से इस घर में लाया था, कि तुम मुझे, इस घर को और मेरे बेटे को संभालोगे, जोड़ोगी। तुमने क्या किया? साजिशों से फुर्सत मिलती तो कुछ करती तुम इस घर का, तुमने तो इस घर को जोड़ने के बजाय हमेशा तोड़ने की कोशिश की। अरे और तो और, तुमने मुझे शौहर कहां समझा? एटीएम मशीन समझा जिससे सिर्फ कार्ड डालकर सिर्फ तुम पैसे निकालती रही? राहिल बस, मैं तुमसे किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दो, बस। तलाक? कान खोल कर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं उसको तलाक दूंगा। राही आवाज नीचे, खबरदार जो मेरे सामने आवाज ऊंची की। सुन लो, उस लड़की को मैंने अपनी इज्जत बनाया, शादी की है, उसको कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर तुम्हें कबूल है तो रहो, नहीं तो वार्निंग समझो मेरी। आगे से हटो, हटो।